प्रेम ही धर्म है, प्रेम ही कर्म है, प्रेम ही पूजा, प्रेम ही सिद्धांत, प्रेम ही व्यवहार है, प्रेम ही कर्तव्य है, प्रेम में ही संपूर्ण ब्रह्मांड समाया है, प्रेम से इतर कोई वस्तु नहीं है। जय माता दी बंधुओं, एक बार फिर से आपका स्वागत है देसी भक्ति यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं आपकी राशि के 2023 के प्रेम लव राशि फल के बारे में। इस वीडियो में हम आपको 100% सत बताने जा रहे हैं जो आपके जीवन में 2023 में लव के साथ होने वाली हैं। आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि इनमें से कितनी बातें आपके जीवन के लिए सत्य हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और इसे अपनी राशि वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी ज़रूर दबाएं। कर्क प्रेम राशि फल 2023। इस वर्ष का परिणाम आपके लिए मिला जुला रह सकता है। जनवरी फरवरी का महीना आपके लिए नए प्रेम संबंधों की शुरुआत करने वाला समय रह सकता है। वर्ष 2023 कर्क राशि के जातकों के लिए वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी परेशानियां ला सकता है। इस वर्ष शनि आपके सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होकर अष्टम भाव में ही विराजमान होंगे, जिसके फलस्वरूप आपका मन वैवाहिक जीवन से हट सकता है। इस समय में आप अकेला रहना ज़्यादा पसंद करेंगे। जीवन साथी के साथ आकर्षण की कमी महसूस हो सकती है। जो जातक विवाह के लिए संबंध तलाश कर रहे हैं उनकी तलाश अभी जारी रहेगी। इस वर्ष उनका विवाह बंधन में बंधना थोड़ा कठिन लग रहा है। वर्ष की शुरुआत में विवाह संबंधी कुछ सकारात्मकता देखी जा सकती है, परंतु यह सकारात्मकता केवल 15 फरवरी तक ही है। यदि आपकी कहीं विवाह संबंधी बात चल रही है तो 15 फरवरी से पहले ही संबंध तय कर लीजिए, अन्यथा आपको पूर्ण वर्ष इंतजार करना पड़ सकता है। कोई आपके जीवन में प्रेम की बहार ला सकता है, लेकिन यह पल ज़्यादा लंबा चलने वाला नहीं है। 13 मार्च से 10 मार्च का समय प्रेम संबंधों के लिए थोड़ा कठिन रह सकता है। आपके पार्टनर से आपका वाद विवाद हो सकता है, तो ऐसे समय में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा रिश्ते में दरार आ सकती है। 10 मई से 1 जुलाई तक का समय मंगल आपके प्रथम भाव में गोचर करेंगे, जहां मंगल अपनी नीच राशि में होंगे। इसके फलस्वरूप आपके रिश्ते में तकरार आ सकती है, टकराव की स्थिति बनेगी, प्रेमी प्रेमिका और पति पत्नी में खींचतान बनी रहेगी। इस समय में आप गलत फहमियों का शिकार हो सकते हैं। मंगल में कर्क राशि में होने के प्रभाव से आपके मन में स्थिरता नहीं रहेगी। आप जल्दबाजी में गलत निर्णय ले सकते हैं, जिस वजह से आपके रिश्ते में तकरार आ सकती है। मंगल जो कि अग्रि तत्व है, वह कर्क राशि में होंगे, जबकि कर्क राशि जल तत्व है, जिसके फलस्वरूप अग्नि और जल के मिलन धुएं का जन्म होगा, अर्थात राहु का जन्म होगा, और राहु रिश्तों में तकरार को जन्म देता है, यहाँ तक के अलगाव तक की स्थिति बन जाती है। इस समय में तलाक की स्थिति भी बन सकती है, तो रिश्तों को लेकर सावधान रहिए और धैर्य रखिए। 1 जुलाई से 18 अगस्त का समय आपके प्रेम संबंध को विवाह के बंधन में बांध सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में नहीं हैं और विवाह के लिए विचार कर रहे हैं, उन्हें इस वक्त पार्टनर मिल सकता है। इस अवधि में मंगल आपके पंचम भाव के स्वामी होकर द्वितीय भाव में गोचर करेंगे, जहां वह अपने मित्र सूर्य की तलाश
सिंह राशि में होंगे। जो जातक प्रेम विवाह के इच्छुक हैं उन्हें इस समय अपने परिवार वालों से बात करनी चाहिए। सकारात्मक जवाब पाने के लिए यह समय अत्यधिक उत्तम समय रहेगा। परिवार के सहयोग से जातक का प्रेम विवाह तय हो सकता है। जातक अपनी सूझबूझ और वाक शक्ति से दोनों परिवार वालों में तालमेल बिठाने में सक्षम रहेगा। 16 अगस्त से 3 अक्टूबर तक मंगल कन्या राशि में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रेमी से दूरी महसूस कर सकते हैं। आपके प्रेमी से बातचीत में कमी आ सकती है, किंतु इसका मतलब यह नहीं है कि उनका आप में रुहान नहीं रहा। इस अवधि में आप अपने पार्टनर की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाएंगे, जिस वजह से आपके पार्टनर असहज महसूस कर सकते हैं तथा आपसे नाराज हो सकते हैं। इस स्थिति में आपके मित्र या बहन की वजह से आपके पार्टनर के साथ आपके रिश्ते में खटास आ सकती है। 3 अक्टूबर से 16 नवंबर तक मंगल आपके चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे, जिसके फलस्वरूप अक्टूबर माह में मंगल की युक्ति उनके शत्रु केतु से रहेगी, जिसके फलस्वरूप आप अपने प्रेमी के साथ घुटन महसूस कर सकते हैं। आप उस रिश्ते में खुद को बंधा हुआ महसूस करेंगे और प्रेम संबंध को खत्म करने की इच्छा आपके मन में पैदा होगी। इस अवधि में व्यर्थ के झगड़ों में फंसे रहेंगे। आपका स्वभाव चिड़चिड़ा और गुस्सैल रहेगा, जिस वजह से आपके रिश्ते में तनाव आएगा। आप छोटी छोटी बातों पर लड़ने के मौके ढूंढेंगे। नवंबर माह में स्थिति सुधरती हुई दिखेगी, परंतु आपका स्वभाव थोड़ा तीव्र हो जाएगा और आपकी इच्छाएं बढ़ जाएंगी। आप अपने पार्टनर से ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद रखने लगेंगे, जो कि अनुचित होगा। वर्ष के अंत तक आपके बीच छोटे मोटे झगड़े चलते रहेंगे। मनमुटाव की स्थिति बातचीत करके सुलझाई जा सकती है, तो ऐसी स्थिति में आपको अपने गुस्से पर कंट्रोल करके बातचीत के जरिए रिश्ते को सुधारना चाहिए। उपाय: लगातार 3 मंगलवार 800 ग्राम मसूर की दाल 1 तांबे के बर्तन में भरकर अपने सिर के ऊपर से 7 बार घुमाकर किसी मंदिर में रखकर आएं। प्रतिदिन सायंकाल में पूर्व दिशा की तरफ मुख करके 3 बार हनुमान चालीसा का पाठ करें। अपने गुस्से पर कंट्रोल रखें, अन्यथा यह आपके अच्छे खासे रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। किन्नरों को हरे रंग की साड़ी और लाल रंग के फूल भेंट स्वरूप दें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। यह कार्य आपको महीने में एक बार बुधवार के दिन करना होगा। तो बंधुओं, इस वीडियो को अपनी राशि वालों के साथ शेयर जरूर करें, और साथ ही अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके घंटी जरूर दबाएं।